Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. हेल्दी लाइफ का लंबा सफर, छोटी गोलियां, बड़ा असर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिनी जेन और आप देख रहे हैं हैप्पी होम्योपैथी फैमिलीज का हेल्दी सफर, छोटी गोलियां, बड़ा असर, डॉक्टर एके द्विवेदी जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वे 50 से अधिक उम्र के पुरुषों में सामान्यतः पाई जाती है। इस बीमारी का नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। यह पुरुषों में मूत्राशय के नीचे व मूत्र नली के आसपास पाई जाती है। पुरुष प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 50 से अधिक उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन एक आम समस्या बन जाती है। दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसे ही पेशेंट, भोपाल निवासी श्री अखिलेश मिश्रा जी, जो पिछले काफी समय से इस बीमारी से पीड़ित थे। कई बड़े अस्पतालों में दिखाने के बाद चिकित्सकों ने उनका प्रोस्टेट बड़ा हुआ बताया व उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। एलोपैथिक दवाइयां लेने से उन्हें आराम तो मिला, परंतु कुछ समय बाद उनकी समस्या दोबारा उत्पन्न हो गई। फिर उन्होंने डॉक्टर ए के द्विवेदी जी का होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। आइए जानते हैं अखिलेश मिश्रा जी से उन्हीं के अनुभव। सर नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा, मैं निवासी भोपाल का रहने वाला हूँ। विगत 2012-13 में मुझे पेशाब संबंधी गंभीर बीमारी हुई। इसके बाद मैंने कई डॉक्टरों के पास मैंने इलाज कराया भोपाल में। कुछ डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी, बोले प्रोस्टेट बढ़ गया है, नली चोक हो गई है, नली पतली पड़ गई है, ऐसे एक्सरे में बताया उन्होंने। इसके बाद फिर 2012-13 तक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद मेरी पेशाब जो है अचानक रुक गई और मुझे भयंकर तेज जो है जलन मची, और फिर मुझे एडवांस होम्योपैथिक इंदौर का पता चला डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं फिर डॉक्टर साहब से संपर्क किया और आज तकरीबन 2 महीने हुए मुझे डॉक्टर साहब की दवा खाते हुए और खा रहा हूँ। उससे मुझे करीब करीब 90% आराम है अभी आज की स्थिति में। मुझे यूरिन की कोई समस्या नहीं है और पेशाब जो है अच्छे से हो रही है, रात में उठना भी नहीं पड़ता, और इसके साथ साथ जो है मेरी मानसिक स्थिति भी जो है ठीक है। और नहीं तो इसके पेशाब के उसमें मैं कहीं जा नहीं सकता था, कहीं बाहर निकल नहीं सकता था, क्योंकि मेरा टीचर का काम है। इस वजह से क्या है कि मुझे पेशाब संबंधी जो है काफ़ी समय पेशाब करने में लगता था मुझे, और जोर लगाना पड़ता था मुझे। तो इन सब समस्याओं से मुझे छुटकारा जो है द्विवेदी जी ने दिलवाया है। होम्योपैथी दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि केमिकल रहित रहती हैं। ये बिल्कुल जो है सब बॉडी को फायदा ही पहुंचाती, नुकसान ही पहुंचाती। तो वो लोगों से सलाह यही दूंगा कि होम्योपैथी ही अपनाएं, क्योंकि जीवन इसी में है। बाकी एलोपैथी में तो शरीर को एक मेडिकल स्टोर बनाना है बस। और मैं यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो हैं उनके इस उपचार का फ़ायदा उठाएँ, ताकि जो है अपनी बीमारी को दूर करें और बस सकेगा। और मैं द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गंभीर बीमारी से जो है बाहर निकाला। तो दोस्तों, ये थे श्री अखिलेश मिश्रा जी हमारे साथ, जो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार डॉक्टर ए के द्विवेदी जी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उनका जीवन एकदम सामान्य हो गया है और वे शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी जी से और जानते हैं कि किस प्रकार उनकी 50 मिलीसीमल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयां प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारी पर भी कारगर सिद्ध हुई है। बात करते हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी जी से। नमस्कार दोस्तों, मौसम है गर्मियों का और गर्मियों के मौसम की सबसे कठिन बीमारी है पेशाब की रुकावट। पेशाब में जलन या पेशाब की रुकावट बहुत गंभीर सी समस्या है। जिसकी पेशाब रुक जाती है उसका कष्ट वही जान सकता है, वही समझ सकता है। जी दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टर अखिलेश मिश्रा की, जो भोपाल के निवासी हैं। 2012-2013 से उनको पेशाब में रुकावट, पेशाब में दर्द, जलन की शिकायत थी। उन्होंने वहाँ के स्थानीय डॉक्टरों को, यूरोलॉजिस्ट को संपर्क किया। उन लोगों ने बताया कि आपका रास्ता सिकुड़ गया है और पेशाब होने में ये परेशानी हमेशा ही होती रहेगी। कुछ लोगों ने उनको बता दिया कि प्रोस्टेट बढ़ गया है और इस परेशानी का पूरी तरह से निजात
मिलना संभव नहीं है। जब तक आप जिंदा रहोगे दवाइयों का सेवन करना ही पड़ेगा। काफ़ी घबराए हुए से मिस्टर अखिलेश मिश्रा जी मेरे पास आए। वास्तव में काफ़ी परेशानी बढ़ी हुई थी। जब उम्र बढ़ जाती है तो लोगों को बीमारी के साथ, कष्ट के साथ रहने की आदत सी पड़ जाती है, लेकिन कम उम्र में कोई बीमारी के साथ या दर्द के साथ कैसे रहे। मैंने उनको समझाया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ यूरिनरी सिस्टम पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और आप अगर इन दवाइयों का नियमित सेवन करेंगे तो हो सकता है आपको बीमारी में काफ़ी लाभ मिल जाए। मिश्रा जी को मेरी बात थोड़ी रुचिकर लगी और उन्होंने नियमित होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया, और कुछ महीने की होम्योपैथिक दवाइयों के प्रयोग के बाद आज उनको पेशाब संबंधी समस्या लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वे काफ़ी खुश हैं। तो चूंकि आज अखिलेश मिश्रा जी को पेशाब संबंधी परेशानी कम हो गई है तो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर आपको आपकी समस्या में आराम मिलेगा, निजात मिलेगा, तो मानसिक रूप से भी आप अच्छा अनुभव करेंगे, आनंदित अनुभव करेंगे, और यही अखिलेश जी महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके से आप YouTube पर हमारे सक्सेस स्टोरीज देखते रहें, और जिनको ज़रूरत है या जिनको इस तरह की परेशानी है उनको इसके बारे में बताते रहें। हमारा प्रयास है कि लोगों के कष्ट को, परेशानी को कैसे कम कर सकें। इसमें होम्योपैथी काफ़ी सहायक साबित हो रही है। आप इसी तरीके से हमारा YouTube चैनल देखते रहें, आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं आपके आगे आने वाले 2-3 महीने गर्मियों के हैं। आप गर्मियों में पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हो सके तो छाछ पिएं या आम का पना प्रयोग करें। यदि आपको सत्तू आसानी से मिल सके तो सत्तू का प्रयोग करें। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो गर्मियों में आपको शीतलता प्रदान करें। अगर तरबूज मिलता है तो तरबूज खाएँ, या तरबूज का भी जूस निकाल करके पी सकते हैं। गर्मियों में पानी की कमी ना आने दें, और पानी का भी विशेष ध्यान रखें कि स्वच्छ पानी ही लिए, नहीं तो पानी से भी पेट के रोग हो सकते हैं। तो पानी खूब पिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी हमारे साथ, जो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से संभव है। दोस्तों, आप भी अपना व अपनों की किसी भी जटिल से जटिल बीमारी के इलाज के लिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ही अपनाएं। सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखते रहें हैप्पी होम्योपैथी फैमिलीज का हेल्दी सफर, छोटी गोलियां बड़ा असर। सब्सक्राइब करना ना भूलें डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी का यूट्यूब चैनल। टेक केयर। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मयंक अपार्टमेंट, मनोरमागंज, गीता भवन मंदिर रोड, इंदौर। मोबाइल 9826042287, 9424083040।